तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने अपने बेस के जितने बंदों की समस्याओं में से थी उनकी कुछ क्वेश्चन थी वो सारी समस्याओं का उनका समाधान करा था। तो भाई उसमें सबसे पहली समस्या थी एक शिकारी को उसका भाई बाइक हो गया था, तो फिर हम उसे ढूंढते ढांढते गए थे। उसमें भाई पता नहीं क्या हो रहा था, सपना था हकीकत थी क्या था, वो सब आपस में मिल मिला गया था, गड़बड़ सी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन खैर फाइनली मैं ढूंढते ढांढते उसका भाई मिल गया। और फिर हम वहाँ से आए तो हमें सपने का मतलब बताने वाली आंटी जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कुछ फूल वूल तोड़ खिलाने के लिए, उसने उन्होंने पता नहीं क्या बनाया था। वहाँ से हम पहुंचे थे डायरेक्ट एसगार्ड। तो भाई एसगार्ड में जाके हमने जो फ्रोस्ट जाइंट है उनसे लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पे ओडिन तो हम खुद ही थे, लेकिन हाँ थोर और भाई बाकी जितने भी एसगार्ड वासी थे सबसे मिले थे हम। और उसमें एक समस्या थी, मैं सोचा था कि जो जैसे मतलब मार्वल में हुआ ऐसी बड़ी सी एसगार्ड की सोने वाली बिल्डिंग ऐसी बैल बैल वाली ऐसी क्यों नहीं है। तो भाई फिर मुझे कुछ देखा मैंने। ये एक स्टार वॉर्स की मूवी का सीन है, मैं देख रहा था तो मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व करा। और ये उससे मतलब जो थोर वन है उससे काफ़ी पहले आई थी, जो आयरन मैन वन है ना उससे भी काफ़ी पहले आई थी। खैर तो इसके बारे में कुछ नहीं कहते, ये कभी वो देखेंगे। लेकिन भाई वो जहाँ तक है असली एसगार्ड ऐसे ही होता होगा, और वहाँ पे मतलब काफ़ी अलग अलग से थे कैरेक्टर्स उसके मार्वल से। तो लेकिन हाँ फिर हम वापस उठ गए थे क्योंकि वो एक सपना ही था, तो हम वापस उठ गए थे। लेकिन हाँ वहाँ से हम थोड़ा बहुत जो सामान वामान लाए थे वो क्या कहते हैं एक काफ़ी बेचकीमती पत्थर था, मैं तुम्हें दिखाऊँ। Beamer's देखो tear ये वाला stone. जो स्टोन है ना Strange yet ये हमने beautiful एसगार्ड से stone. मिला था, और भाई ये अभी हमारे साथ में अभी तक है, तो पता नहीं कैसा आ गया सपने से हमारे साथ असली में भी। तो फिर भाई हम गए थे जो हमारे नॉर्थ वाली टेरिटरी है वहाँ पे, हम क्या है बेसिकली कहीं ना कहीं उन्हीं के इलाके में रहते हैं। Warpole. देखो जैसे मैप है तो ये वाली हमारी नॉर्थ की टेरिटरी, यहाँ पे तो है अपना A सेटलमेंट, river. और मतलब एक तरह से इसी आइलैंड पे Meet रहते हैं हम। Shamstead Abbey. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे रहते थे जनजाति A टाइप के river लोग up. रहते थे, आदिवासी टाइप लोग थोड़े से, तो हमने उन्हें हरा दिया था और फिर वहाँ का उनका इलाका कब्जा लिया था। तो ये तो है मैप भाई साउथ में हमारे गुड़गांव, इसे हमने स्टेबल करा दिया। ये रहा भाई ये पूरा इलाका आता है गुड़गांव के अंडर में, ये इसका मेन आइलैंड है, ये बोल थोड़ा सा मतलब साइड वाला इलाका है गुड़गांव का। और भाई ये है अपना उसका रखवाए का जो मेन वाला इलाका है जहाँ हम नई टेरिटरी बना रहे हैं। तो कल हमने वहाँ पे जाके बात कही थी, मतलब पिछली वाली वीडियो में वहाँ पे जाके बात कही थी हमने वहाँ के राजा से। और भाई जैसा हमारा सपना है और उस राजा का सपना था जो पूरे नॉर्वे को मिलाना चाहता था, ऐसे कुछ ना कुछ इनका भी सपना है कि भाई पूरे इंग्लैंड को मिला कर खुद उस पर राज करना। हमारा भी सपना सेम है, उनका भी सपना सेम है, खैर पता नहीं कैसे बात रही क्या होगा। लेकिन हाँ अभी वो चाहते हैं कि हम उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है सैक्सन उस पर विजय प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। तो भाई अभी उन्हीं से मिलने जाते हैं, उन्होंने कही थी कि जब भी तुम युद्ध के लिए तैयार हो तो हमारे पास आ जाना एकदम से, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं। तो भाई अभी हम उन्हीं के World. पास में जा रहे हैं। तो भाई यार ये जो राजा है जिसको मतलब हमला करना है उसका एक छोटा भाई है, उसका नाम ईवर है, मतलब हमारा नाम तो कैसे बताऊँ यार, देखो हमारे मतलब थोड़ा सा हमारे नाम की स्पेलिंग है ई वी ओ आर है ना, इसके नाम की स्पेलिंग है आई वी ए आर, दोनों ईवर बनते हैं लेकिन वो ई वार है और हम ई वन है। तो जो ईवार है ये भाई क्या कहते हैं किसी एक लोंडे को लाया है जो कि जिस पे हम हमला करने जा रहे हैं ना। यार ये सारे घोड़े चल रहे हैं, मैं पैदल हूँ, इतना गरीब थोड़ी है, तुमसे अमीर है यार हम। हाँ तो खैर हम इनके पास आए थे इनसे बातचीत करने, और भाई हम लड़ने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये जो है ना मतलब जिस पे हम हमला करने जा रहे हैं उसके लोंडे को जो ईवार है जो इसका भाई है उसने अपने साथ में मिला लिया। और ये कह रहा है कि मतलब वो लोंडा कह रहा है कि देखो मैंने थोड़ी बहुत लड़ाई की ट्रेनिंग ले रखी है और मैं किसी को मारना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे लोग हैं और मेरे फादर के साथ के हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भाई वो तुम्हें अपना नहीं मानते और तुम भाई कुछ भी कर सको। तो हम तो मना करे थे यार उसे साथ में लेने को, लेकिन ईवार कह रहा ना कि भाई कर लो क्या कहते हैं सबने साथ में, तो हमने कही ठीक है कोई बात नहीं। अब भाई चल के देखते हैं जहाँ पे लड़ाई होनी है वहाँ पे चल के देखते हैं क्या सीन रहेगा। तो भाई पहुँच गया हम उस इलाके के पास में, और ये जो जानवर है ना भाई इसके बारे में मैंने एक चीज़ देखी, मैंने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं भेड़िए, तो मतलब जैसे हमारी किसी लड़ाई वड़ाई भी होगी तो हमारा साथ दे देगा, तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ देखी मैंने, जैसे ये है ना भेड़िया तो भाई मैं इससे काफ़ी दूर चल के आया, करीब करीब 1 से 2 हज़ार मीटर चल के आया, मतलब 1-2 किलोमीटर करीब डिस्टेंस चला होगा मैंने इस पर। और भाई इसका स्टेमिना आधा भी खत्म नहीं हुआ ढंग से, तो इसका स्टेमिना काफ़ी बेहतरीन है और साथ साथ स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है, तो मतलब कुल मिला के काफ़ी बढ़िया जानवर है। खैर अभी इसका देखें क्या सीन है। तो भाई किले का जो किवाड़ है इन्होंने, मैं दिखाऊं तुम्हें ये किवाड़ है किले का, ये तो भाई इन्होंने भेज रखा, किले की दीवार पे चढ़ के हमारी इनसे बात हुई थी। तो भाई उसका एक सलाहकार टाइप है, वो तो कह रहा था कि तुम मतलब ये जो भी मांग रहे हैं इन्हें दे दो और ऐसी कोई बात नहीं है मतलब उसकी,
कुछ ज़्यादा हरकत मत करो, और इन्हें शांतिपूर्वक जो मांग रहे हैं वो दे दो, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हम इनसे नहीं जीत सकते, और मतलब हमारा बचना ही मुश्किल हो जाएगा अगर हमारी लड़ाई हुई तो। लेकिन भाई जो मेन राजा था उसे फिर ये जो है यहाँ लखवाई वाले राजा जो हैं इन्होंने भाई उसे ललकारा और ये कहा कि हम तो तुम्हारा राज सिंहासन लेने आए हैं और तुम्हारा मुकुट लेने आए हैं तुम्हारे सिर के साथ या उसके बिना। और तो भाई वो भी पूरा गुस्से में आ गया, उसने कही कि भाई कुछ भी हो जावे मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला और यहाँ से चले जाओ और हम मतलब आखिरी सांस तक लड़ेंगे जो हमारा है उसे बचाने के लिए। भाई अभी इसने कहा है कि हम रात को हमला करेंगे, खैर युद्ध की तो पूरी तैयारी हो गई है, सामान उठा के चल रहे हैं हम। ठीक है तो शाम का समय हो गया है, थोड़ा सा देख लो ऐसे पूरा लाल लाल सा हो गया शाम के सूरज में। तो भाई से फुल पीछे लेके जा रहे हैं और अब ले जाके बढ़ा रहे हैं, ऐसी सी गाड़ी सी बाहुबली में थी। ओ भाई साहब टूट गया फाइनली, ओ भाई से लेके चल दिए आगे। अरे यार बंदों की तो फट जाएगी जो भी इसके सामने आऊंगा। चलो थोड़ी सी लकड़ी टूटी है, ये मेरे हिसाब से इस बारे में टूट जाना चाहिए पूरा गेट। नहीं यार फिर कुछ भाई कैसे गेट बना रखे इन्होंने, ऊपर तीर मारने वाले लगा रखे, नीचे भाई कुछ ज़्यादा तगड़े गेट बना रखे इन्होंने। ओ भाई साहब पीछे कोई धमाका सा हो गया उसकी वजह से गंदे टूटा है गेट। चलो 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 उड़ाते चलो भाई, मुझे लग रहा है इन्होंने पूरी सिक्योरिटी गेट के नाम पर ही कर रखी। वो कुछ नहीं क्या, बस गेट ही गेट है भाई लेयर लेयर में, तो बंदो ही गेट तोड़ने में निकल जावे पूरी जान। ओ भाई साहब ये भाई मैं क्या करना है इनके मेरे इलाके में जाकर कब्जा करना, आगे बीच की लड़ाई में नहीं पड़ना फालतू जो पीछे चल रही थी। ले पट से हेडशॉट, इसमें भला हेडशॉट भाई सब तकड़ा वाला। भाई क्या सही बताऊँ कुछ नहीं था, बस गेट गेट की इन्होंने सिक्योरिटी कर रखी थी कि हाँ गेट लगा रखे भाई लेवल लेवल में कई सारे और उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन नहीं तो भाई कुछ नहीं था इनके यहाँ पे, ऐसी बस मतलब थोड़ी बहुत सेना थी बाहर उससे बच के हम निकल लिए, क्योंकि भाई फायदा नहीं था उस चीज़ का कुछ उनसे भी मतलब क्या लड़ने का। तो भाई हम क्या कहते हैं उनसे बच के निकल लिए और आगे इनके मेन इलाके में और बस जगह के अंदर चलना है, ये इनका मेन हाउस है यहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलता है। चलो भाई तोड़ो की बाड़, दया बन गए दोनों भाई। तो भाई हमने फाइनली उनके इलाके पे कब्जा कर लिया है, उनके बंदे बंदे ढूंढने के लिए भेजा हमने सैनिकों को, हम भी थोड़ा देखते दागते हैं इधर उधर, कुछ मिलेगा तो आगे की कार्यवाही होगी, नहीं तो भाई ठीक है बस